हेलो टू एवरीवन, अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मैच पॉइंट पर डॉक्टर अदनान आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर लेके आ गए हैं क्रिकेट की धुआंधार खबरों से जुड़ा प्रोग्राम मैच पॉइंट। और आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ कि इस मरतबा कुछ ताखीर से प्रोग्राम हुआ क्योंकि रेडियो शोज़ और कुछ दूसरी मसरूफियात इस तरह आड़े आ गई थी कि आपके पास क्रिकेट की अपडेट नहीं आई। लेकिन आपसे वादा किया था कि जूँ ही नया शो आएगा तो पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड पहुँच चुकी होगी, और पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड पहुँच चुकी है। तीन बहुत एक्साइटिंग सीरीज़ जो है इस वक्त क्रिकेट के मैदान में चल रही हैं, जिसमें पहली सीरीज़ जो है वो ऑलरेडी पिछले साल की कंटिन्यूएशन थी, एशेज सीरीज़ जो कि खेली जा रही थी इंग्लिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आर्च राइवल्स के माबैन। दूसरी सीरीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ खेली जा रही है टेस्ट क्रिकेट, वो है भारत की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम। विराट कोहली जो है वो धूमधाम से शादी मना के वापस पहुँच चुके हैं और कहते होंगे कि सर मंडवाते ही ओले पड़े हैं। देखना ये है कि क्या वो मॉर्नी मार्केल और रबादा और डेल स्टाइन की धुआंधार जो है उनकी बॉलिंग का सामना किस तरह से करेंगे। लेकिन आपको आज मैं ये बताऊंगा कि आज मैं अकेला नहीं हूँ, एक सुपरस्टार मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा एक दो मिनट, जब तक कि आपको मैं फीड दे लूँ कि व्हाट्स इन व्हाट्स आउट, बिकॉज यू आर वॉचिंग मैच पॉइंट। क्रिकेट की जो बड़ी खबर है वो ये है पाकिस्तान से जुड़ी कि पाकिस्तान T20 रैंकिंग में पाकिस्तान दोबारा एक दर्जा तनजली से अब नंबर 2 पर पहुँच चुका है। और अब न्यूजीलैंड की टीम जो उनके साथ आंख मचोली खेल रही थी, न्यूजीलैंड की टीम हैज़ रीगेन्ड द नंबर 1 स्लॉट एंड नाउ पाकिस्तान है स्लिप्ड ऑन नंबर 2। जो पाकिस्तानी शायकीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं बिल्कुल मायूस ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी कुछ समय बाकी है। अगर पाकिस्तान इस करंट T20 सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम को अपने होम में उनके होम में शिकस्त देने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान विल गेन बैक नंबर 1 स्लॉट। अगली जो बड़ी खबर ये है वो एशेज के बारे में है कि एशेज़ के बारे में आपको दोबारा मैंने अपडेट दी थी, और फिर अपडेट करता चलूं कि एशेज़ में जो है वो ऑस्ट्रेलिया फाइनली जो है वो लीड कर रहा है इस वक्त 3-0। चौथा मैच चूँकि ड्रॉ हो गया था, पांचवा मैच जो है वो जारी है और इंग्लिस्तान की टीम जो है वो शदीद मुश्किलात में शिकार है। जो कहते हैं ना कि जो बोएंगे वही आप काटेंगे, तो जो इंग्लिस्तान की टीम 1992 का अगर आपको टूर याद हो पाकिस्तान का, तो जो बॉल टैम्परिंग के मसाइल सामने आए और पाकिस्तान को वकार यूनुस और वसीम अकरम की बॉलिंग का सामना ना करने का खौफ के बायस जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, आजकल इंग्लिश टीम उसी जद में वापस आ चुकी है। और ये वही है, एज़ यू विल सो सो शैल यू विल रीप। लेकिन अब देखना ये है कि इंग्लिस्तान इसका इख्तिताम कैसे करता है। अगर ओवरऑल आपको बताना चाहूं इन द शॉर्ट, तो 32 एशेज अब ऑस्ट्रेलिया के नाम हैं, जबकि 31 एशेज जो हैं वो इंग्लैंड। जो ओवरऑल जो एशेज की जो विक्ट्रीज हैं, जो जब से ये शुरू हुई थी एक सदी से ऊपर का जो अरसा है, ऑस्ट्रेलिया इसको लीड कर रहा है। स्टीवन स्मिथ इन द रिमार्केबल फॉर्म, हम अपने गेस्ट से बात करेंगे आज इनके बारे में भी, स्टीवन स्मिथ के बारे में। ICC रैंकिंग में एक नाकाबले यकीन जो है उन्होंने बर्तरी ले रखी है। आपको इससे अंदाज़ा करना होगा कि जो ICC की ओवरऑल जो बैटिंग रैंकिंग्स हैं उसमें 1948 डॉन ब्रेडमैन 961 रैंकिंग, रिकी पॉन्टिंग जब अपने बेस्ट पे थे, जब उन्होंने ट्रिपलेट जीता था वर्ल्ड कप का, तो उस वक्त भी वो 952 रैंकिंग के ऊपर थे, डॉन ब्रेडमैन को टच नहीं कर सके। और इवन जो लास्ट मैन थे जैक होब्स उनके बदे मुकाबले थे। लेकिन अब स्टीवन स्मिथ लैन हटन को भी क्रॉस कर चुके हैं, रिकी पॉन्टिंग को भी क्रॉस कर चुके हैं, और 1954 से लेके अब तक जो है वो सेकंड हाईएस्ट आफ्टर डॉन ब्रेडमैन विद 947 ODI रैंकिंग्स एंड द टेस्ट कंबाइंड रैंकिंग्स इन द बैटिंग। तो ये मैं समझता हूँ कि स्टीवन स्मिथ के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तीसरी खबर जो है वो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि 12/3 साउथ अफ्रीका को जो स्कोर हुआ भारत के खिलाफ, बड़ा अनयूजुअल था अपने होम ग्राउंड के अंदर, एंड दिस इज़ फ्रॉम वेयर द फोर्थ विकेट स्टैंड हुआ, जहाँ पर AB के साथ और 100 रन्स का पार्टनरशिप हुई। ये लोएस्ट ये उनकी हिस्ट्री का रिकॉर्ड था जहाँ से साउथ अफ्रीका ने लिफ्ट किया अपने आप को 12/3। इससे पहले जो उनका प्रीवियस बेस्ट था वो 112 था, बॉब कैटल और फ्रेड सेस्केंड जो 117/3 इंग्लिस्तान के खिलाफ 1924 में, उसके बाद से ये दी बेस्ट है। और अब हमारी आखिरी खबर जो टॉप ऑफ द लाइन प्रोग्राम की, वो ये है कि पाकिस्तान की टीम जो न्यूजीलैंड के दौरे पे मौजूद है, अपना पहला मैच जो है वो DLS के बाहर, डकफेल लुईस सिस्टम के बाहर वो हार गई है। 61 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात इसमें ये थी कि पाकिस्तान की 9 मैच विनिंग स्ट्रीक जो थी उसका खात्मा हुआ। 9 मैच जो है ये पाकिस्तान का बेस्ट सक्सेसिव रन था क्रिकेट की तारीख में उनका अपना, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था जो विव रिचर्ड्स के ज़माने में, जब टीम उनकी पाकिस्तान आई थी वेस्ट इंडीज़ की, तो उस वक्त पाकिस्तान का 8 कंसेक्यूटिव मैच का रिकॉर्ड था 1990
1990 में और 1989 में वो रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान ने तोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान 9 मैच की जो सक्सेस थी इसको आगे ले जाने में कामयाब ना हुआ। अब टाइम आ गया है आपसे इंट्रोड्यूस कराने का हमारे आज के गेस्ट। आज के गेस्ट जो हैं वो क्या इंट्रोड्यूस कराऊँ आपको, एक अपनी एक दास्तान रखते हैं क्रिकेट के सुपरस्टार, पाकिस्तान के कैप्टन, पाकिस्तान के स्किपर, सुपरस्टार, लीडिंग रन स्कोरर फॉर द पाकिस्तान इन द ODIs, इसके अलावा थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर द पाकिस्तान इन द टेस्ट क्रिकेट आफ्टर जावेद मियादाद और यूनस खान। 2002 का साल था और यकम मई थी, मुझे आज तक वो उनकी इनिंग्स नहीं भूलती, क्या कमाल इनिंग्स थी। वो पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख की दूसरी बड़ी इनिंग्स है आफ्टर द ग्रेट हनीफ मोहम्मद, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनके बाद ये 329 रन की खेले जाने वाली सबसे बड़ी बारी है, इंडिविजुअल बारी जो पाकिस्तान की तरफ से खेली गई। ओवरऑल 8,829 रन इनके ही इज़ हैविंग इन इज पॉकेट। सितारा इम्तियाज़ पाकिस्तान का तीसरा बड़ा जो प्रेसिडेंट की जानिब से दिया जाने वाला एज़ाज़ 2005 में इनको दिया गया। एंड ही इज़ हैविंग द कैप्टेंसी रिकॉर्ड अनटिल मार्च 2007, जो इमरान खान की रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा टर्नओवर था, जब तक कि वो मिसबाहुल हक ने नहीं तोड़ा। अब तो मिसबाहुल हक अब्दुल हफीज़ करदात को भी क्रॉस कर गए, लेकिन उस वक्त जब उन्होंने ये कप्तानी की तो वो इमरान खान के बाद सबसे लॉन्गेस्ट कैप्टेंसी थी। जी हाँ, वन एंड द ओनली मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक कप्तान एंड द लीडिंग रन स्कोरर एट दैट टाइम इंज़मामुल हक। अस्सलाम वालेकुम इंज़ी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। इंज़माम भाई कैसे हैं आप? जी माशाल्लाह ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और आपका बोलने का स्टेमिना वाकई बड़ा ज़बरदस्त है जी। इंज़माम भाई पहले ये बताएं कि आपको जो है नॉर्थ अमेरिका की सर्दी जो है वो ज़्यादा तो नहीं लगी? नहीं ठीक है, क्योंकि जी सारी दुनिया में घूमते रहे, क्योंकि जी मौसम अच्छा होता था, खेलने के लिए भी जाते थे तो मौसम अच्छा होता था, तो इस तरह का वेदर कभी मिला नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा एक्सपीरियंस है। क्योंकि आप लोग जब सहारा कप के ज़माने में आया करते थे तो उस वक्त मेरा ख्याल है जून जुलाई का मौसम होता था, आप लोग इतना लेट कभी नहीं आए, इतना अर्ली कभी नहीं आए साल में और इतना लेट भी कभी नहीं आए, क्योंकि अमूमन जून जुलाई होता था। जी तो मौसम अच्छा होता था कि जहाँ भी खेलने के लिए जाते थे, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि जी इतनी -48 -49 हमें रजीनिया में जो इस टाइम गए थे उधर, तो उधर मिला, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है जी। पहले मैं ये बताता हूँ कि इंज़ी भाई जो हैं आए हैं बड़े नेक मकासद के लिए आए हैं, नेक लोग हैं ये, और अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी है यही नेकियाँ फैलाने की। तो इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मार्कम का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, मार्कम मस्जिद खासकर जो डेनिसन एंड मिडल फील्ड रोड के ऊपर है, जिनके तवसत से जो हैं इंज़माम भाई यहाँ पर मौजूद हैं हमारे दरमियान, और आपके पास एक सुपर स्टार जो है क्रिकेट का मौजूद, और हमारे पास जो है ख़बरों का जो ढेर है वो, और इसके अलावा एक्सपर्टीज़ हम लेंगे इंज़ी भाई की कि इसके ऊपर कि पाकिस्तान ने वन डे सीरीज़ के दौरान अभी जो स्टार्ट हुआ है क्या खोया क्या पाया। तो सबसे पहले मैं इंज़माम आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एज अ चीफ सेलेक्टर, एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पाकिस्तान की, आप क्या समझती हैं कि टीम में जो क्या कमी थी और क्या क्या कमी पेशी थी, क्या नहीं होना चाहिए था आफ्टर द फर्स्ट ODI, द मेन वन थिंग जो आप चाहते हैं कि रिवर्स हो जाए एज अ चीफ सेलेक्टर, जो कोई क्या फैसले थे ऐसे? नहीं मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जी अगर 8 वनडे जीतने के बाद अगर 9वां हार जाएँ तो अगर खामियाँ तलाश करने लग जाएँ, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी टीम भी खेलने आई है, वो भी अच्छा खेल सकती है, और डिफरेंट कंडीशन है, क्योंकि जी न्यूजीलैंड जिस टाइम भी जाते हैं पाकिस्तान से, सब कॉन्टिनेंट से बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन है, थोड़ी सी टाइम भी लग जाता है कि जी एडजस्ट होने में। मैं टफ़ कंडीशंस नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि जी अगर आप इस तरह समझ लेंगे कि जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया आता है तो उनके लिए पाकिस्तान की टफ़ कंडीशंस हैं, जिस टाइम पाकिस्तान जाते हैं तो उनके लिए, तो डिफरेंट कंडीशन कहना चाहिए कि जी डिफरेंट है पाकिस्तान की कंडीशन से, तो और इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा एडजस्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी ये कि जी पाकिस्तान को हर चीज़ में मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जी न्यूजीलैंड की टीम हमेशा अपने होम ग्राउंड पे बहुत अच्छा खेलती है, क्योंकि जी थोड़ा सा भी उसको मौका दो तो बहुत। लेकिन इंज़माम आपको याद होगा जब आप सलीम मलिक के अंडर जब गए थे 1994 के टूर पर, तो इसी न्यूजीलैंड की टीम को आप लोगों ने बांध के मारा था उस टूर में, जब mid-90s में जो टूर हुआ था। नहीं जिस टाइम तक पहले तक न्यूजीलैंड जाते रहते तो सारी सीरीज़ें पाकिस्तान जीत रहा था, ठीक है, लेकिन अब आजकल न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है, अपने होम ग्राउंड्स पे बहुत अच्छा खेलती है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी अभी और वनडे होंगे, T20 भी है,
तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी बेहतर। अच्छा इंजमाम, मैं देख रहा था कि वसीम अकरम पाकिस्तान के साबिक कप्तान जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये ब्लंडर था कि पाकिस्तान को जब अपनी खामियां पता है बैटिंग में, क्योंकि जब से हमने होश संभाला है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग एक नाजुक दौर से गुजर रही है कहते हैं, तो मैच का टॉस जीतने के बाद सरफराज अहमद को क्या फैसला नहीं करना चाहिए था बैटिंग का, या आप समझते हैं कि डी एल एस सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सोचा कि चेजिंग का चेज का फैसला किया जाए? नहीं देखें, असल में ये तो जो वहाँ लोग मौजूद होंगे कि जी पिच की कंडीशंस, पहले बैटिंग और बाद में बैटिंग है ना, पिच की कंडीशन देख के की जाती है क्योंकि जी पिच की कंडीशन कैसी है। और मैं नहीं समझता कि जी पाकिस्तान ऐसी टीम है क्योंकि जी आप उससे कहेंगे कि जी वो चेज नहीं कर सकते या इस तरह की चीज़ है। तो मेरे ख्याल में कंडीशन मेरे ख्याल में उनको लगी ऐसी कि जी अगर हम शुरू में बॉलिंग करें, न्यूजीलैंड की कंडीशन है भी इस तरह की कि जी शुरू में मुश्किल होती है बॉल, तो उसका एडवांटेज लेना चाह रहे थे जो मेरे ख्याल में नहीं मिल सका। कॉलिन मुनरो की बात करना चाहूँगा, नाज़रीन आपको बताना चाहूँगा कि कॉलिन मुनरो और जो दीगर बैट्समैन है विलियमसन, खैर प्लेयर आदमी है और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कल सहारा दिया न्यूजीलैंड की टीम को, लेकिन इंजमाम कॉलिन मुनरो की वीकनेस है लेफ्ट आर्म बॉलर्स। पाकिस्तान ने कल जब अटैक किया तो पाकिस्तान के पास दोनों लेफ्ट आर्मर्स थे, तो आप समझते हैं कि ये न्यूजीलैंड की कामयाबी है और कॉलिन मुनरो की, उनका जो बेस्ट अभी तक उनकी जो एवरेज है वो 12.80 है अगेंस्ट द लेफ्ट आर्मर्स, तो ये आपको लगा कि कॉलिन मुनरो की जीत है या पाकिस्तान की बॉलिंग भी कुछ कमी रह गई थी? मेरे ख्याल में एक मैच के ऊपर है ना आप सारी चीज़ें ना डिसाइड करेंगे कि जी लोग एक मैच के ऊपर डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि जी वो खब्बे को नहीं खेल सकता, वो सज्जे को नहीं खेल सकता, या उसने जी आज उसकी जीत हो गया। कोई फैक्ट्स, मेरे मतलब हर चीज़ को इंटरेस्टिंग नहीं लेकिन फैक्ट्स के ऊपर बात की जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरा मतलब वो ओपनर है उनका और बड़े पिछले मेरे ख्याल में इससे पहले वाली सीरीज़ में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसने, तो मेरे ख्याल में वो लेफ्ट आर्म को भी खेल सकता है। तो अभी एक मैच हुआ है तो इसमें कोई अभी वो ऐसी चीज़ नहीं हुई है, तो जाहिर है अगर उसको हमारे फास्ट बॉलर्स को चाहिए कि जहाँ कंडीशन अच्छी है तो मेरे ख्याल में क्योंकि जी अर्ली ऑन विकटें मिलेंगी तो अच्छी बॉलिंग होगी। अच्छा इंजमाम, सरफराज जो हैं इज़ अ वंडरफुल एथलीट और टीम को जल करके जाते हैं, लड़के बड़े जमे हुए हैं उनके साथ अभी और बड़ा एक विनिंग सीक्वल बना हुआ था, लेकिन हमने देखा कि सरफराज थोड़ा सा गैर ज़रूरी शाउटिंग करते हुए दिखाई देते हैं टीम में। शायद लड़के जिस तरह आप थे आपके ज़माने में तो बड़ा एक काम आपका एक एटमोसफेयर होता था टीम के अंदर, आपने भी लड़के जल किए हुए थे लेकिन बड़ा एक पुरसकून माहौल था, लेकिन सरफराज थोड़े एग्रेसिव दिखाई दिए और इसी एग्रेसिवनेस में मुझे लगा कि उन्होंने जब 26 पे विलियमसन को छोड़ा तो दैट वॉज़ अ क्रूशल सेटबैक, शायद न्यूजीलैंड की टीम 300 से ऊपर ना जा पाती अगर सरफराज कैच ना छोड़ते। तो आपको लगता है कि सरफराज को थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करना होगा या ये जो उन्होंने बाउंटी दी जिस पर फीस्ट किया बाद में विलियमसन ने? एक तो एक मैच के ऊपर है ना सारे डिसीजन नहीं ले लेने चाहिए क्योंकि जी वो किस तरह का है और वो किस तरह का, हर एक इंसान का ना अपना कैप्टनसी, इमरान बे का कैप्टनसी का अपना स्टाइल था, मिसबा का अपना स्टाइल था, वसीम अकरम का अपना था, मेरा अपना है, सरफराज का अपना स्टाइल है क्योंकि जी वो अग्रेसिव है, इस तरह की चीज़ करता है। तो कैच तो अगर अग्रेसिव ना हो तो फिर भी छोड़ो तो फिर भी 300 ही हो जाना था, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ नहीं है। तो कैच अगर आप नहीं पकड़ेंगे उसका तो इफेक्ट आएगा, लेकिन जो उसकी कैप्टनसी की बात है कि तो हर एक जो कप्तान है उसका अपना कैप्टनसी का स्टाइल है तो वो उसी तरह कर रहा है और मेरे ख्याल में क्योंकि जी बहुत बेहतर कर रहा है क्योंकि जी जब से उसने कैप्टनसी ली है तो बहुत बेहतर किया है, तो बड़ी अच्छी चीज़। और अगर ज़ाहरी बात है कि जी आप कप्तान हो और विलियमसन मेन प्लेयर है न्यूजीलैंड का, अगर ऐसे प्लेयर्स को अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली वो स्कोर करेगा, तो कैचेस तो लेने चाहिए, कैप्टनसी दूसरी तरफ है, कैचेस लेना दूसरी तरफ है जी। अच्छा इंजमाम, शुएब अख्तर का मैंने सुना था कि शुएब अख्तर का एक ताज़ा तरीन बयान आया, तो आप चीफ सेलेक्टर ज़्यादा समझती होंगे इस बात को, कि उन्होंने कहा कि मुझे सरफराज जो है वो 100% फिट नहीं दिखाई देते, ही वॉज़ नॉट फिट बिफोर लीविंग पाकिस्तान, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? ये शुएब अख्तर ने क्या ऐसी चीज़ देखी? नहीं देखें, सारे प्लेयरों का अब कोई भी, मैं तो सारे पाकिस्तान के लोगों का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि जी कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा, लेकिन हमारा एक है कि जी हम अपना फिटनेस टेस्ट लेते हैं, जब कोई फिटनेस टेस्ट क्रॉस करता है उसको पास कर लेता है तो देन उसकी सिलेक्शन के लिए वो हमारे पास आता है। तो सरफराज नहीं, जितने भी लड़के टीम में गए हुए इन्होंने जो सा हमने रख रखा है क्योंकि जी इतनी फिटनेस सारे प्लेयर्स की होनी चाहिए, उन्होंने वो चीज़ क्रॉस की तो देन वो सिलेक्ट हुए।
हमारे साथ मौजूद नाज़रीन पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर, पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज इंज़मामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सीरीज़ न्यूजीलैंड के ऊपर। तो इसी में आपको मैं एक और बात पता चलूं कि पाकिस्तान की जो बड़ी कामयाबी है, अब हम पॉजिटिव्स भी तलाश करें ना, क्योंकि नेगेटिव्स के बाद पॉजिटिव भी देखते पड़ते हैं। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है, हसन अली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट राइट ऑन द मार्क, एनर्जी जनरेट करते हैं अपने लिए भी और एनर्जी जनरेट करते हैं टीम के लिए भी। हसन अली जो है इस वक्त एनर्जी लेके आते हैं और दोबारा जब पहली विकेट की पाकिस्तान को तलाश थी तो ही ड्रॉज द फर्स्ट ब्लड। हसन अली ने जब वो विकेट ली तो एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड की तरफ वो गामजन है। शायद आप इसे बहुत कम लोग वो जानते हो, मैं आपको बता दूँ कि शुएब अख्तर जो हैं, अगर मैं बात करूँ कि विकेट्स की इन अ विकेट इन अ एवरी मैच कंजेक्टिव मैचेज, तो वो जो पाकिस्तान की तरफ से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो शुएब अख्तर के पास है कि 16 लगातार मैचों में एटलीस्ट वन विकेट। ये उन्होंने 1999 के दौरे में जो है उस वक्त ये रिकॉर्ड बनाया था। और उसके बाद जो सेकंड बेस्ट हैं वो अब्दुल रजाक हैं, जिनके पास ये रिकॉर्ड है कि एटलीस्ट वन विकेट इन 2000 के ज़माने में 15 मैचेस के दौरान। अब हसन अली जो हैं अभी तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके पास 13 का सीक्वल आ गया है 2017-18। अब देखना ये है कि हसन अली इसको क्या आगे बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। ये टीम कप्तान सरफराज अहमद जो हैं उन पे बहुत भरपूर एतमाद रखते हैं और कहते हैं कि मुझे जहां बॉलिंग उसको करनी होती है, हसन अली राइट एट द स्पॉट वहीं पर मुझे मौका देता है जहां होता है। हम पूछेंगे चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक से कि हसन अली पाकिस्तान का एक खुशाइंद सितारा जिसको डिस्कवर किया गया PSL के दौरान, हसन अली को आप कहाँ देख रहे हैं इस सीरीज़ में और फ्यूचर? नहीं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और पिछले साल डेढ़ साल से जिस तरह खेल रहा है तो मेहनती है, एग्रेसिव है, जो फास्ट बॉलर्स की चीज़ें होनी चाहिए वो उसके पास है, तो इंशाल्लाह हार्ड वर्क है। देखिए, आगे का कुछ नहीं कह सकते, हर एक प्लेयर पे खुद डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत करता है और किस तरह अपने आप को लेके चलता है। तो जो उसका फ्यूचर वैसे लग रहा है कि अगर इसी तरह मेहनत करता रहा, इसी तरह हार्ड वर्क करता रहा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इसको काफ़ी सारी कामयाबियाँ समेटनी चाहिए। बिल्कुल जी, और जहाँ पर हसन अली की बात हो रही है तो पाकिस्तान की बॉलिंग की भी थोड़ी सी बात करेंगे और बताएंगे कि एज ए चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक बड़े खुश होंगे इस बात पे जो मेरे इस रिकॉर्ड में बात आई है कि पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच है अज़हर महमूद, वो भी इस पर काफ़ी इस पर मेहनत कर रहे हैं। आपको एक यूनिक रिकॉर्ड बताता हूँ पाकिस्तान का, जो भी मेरी नज़र से गुजरा कि पाकिस्तान हैव नाउ प्लेड 7 कंसेक्यूटिव ODIs विदाउट गिविंग द नो बॉल। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के बॉलर्स की। जो प्रीवियस लॉन्गेस्ट स्ट्रीक थी वो 6 मैचेस की थी, जो पाकिस्तान ने 1979 के दौरे में की थी, जब विव रिचर्ड्स जो हैं वो उस वक्त वेस्ट इंडियन टीम लेके इमरान खान की पाकिस्तान टीम से भिड़ने के लिए पाकिस्तान आए हुए थे। तो टोटल अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये 786 बॉल्स पाकिस्तान ने अब फेंक दी हैं विदाउट गिविंग द नो बॉल। तो अज़हर महमूद के लिए जो है और मिकी आर्थर के लिए ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इंज़माम, आप इस बारे में क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस अचीवमेंट के बारे में? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है और डेफिनेटली ये पता चलता है कि जी फास्ट बॉलर्स ने वनडे में बड़ा क्रूशल है कि जी आप नो बॉल करें तो फ्री हिट भी मिलती है और एक बॉल भी ज़्यादा होती है, और वाइड बॉल और नो बॉल्स पे जितना कंट्रोल करें मैच एंड ऑफ द डे मैच के रिजल्ट पे उतना फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अज़हर को भी इसकी मुबारकबाद देनी चाहिए और बॉलर्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया। बिल्कुल जी, और पाकिस्तान के लिए जब इनिशियली विकटें गिरी उसमें बाबर आजम का विकेट जो है थोड़ा सा अनलकी था। इंज़माम, आपने देखा होगा कि वो जो बॉल है वो मिस कर रहा था स्टंप को, लेकिन पाकिस्तान के पास रिव्यू मौजूद नहीं था क्योंकि अज़हर अली रिव्यू ले चुके थे उससे पहले अपने प्लम्प पे। तो 12 पे जब 3 आउट हुए, और उस वक्त जो रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान जब भी 12 पे 3 हुआ है तो जब आपकी कप्तानी थी उस दौरान में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से एक मैच जीता था। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही ऐसे मैच जीता है जब 12 पे 3 और पाकिस्तान की रिकवरी हो, तो उस समय हमें फिर भी उम्मीद थी कि एक्सेलरेशन होगी। मुझे अपनी टीम पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अपने लड़कों पे, ये नहीं कि मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, अगर जिस टाइम नहीं भी था उस टाइम भी, कि हमारे लड़के हमेशा क्योंकि जी मुश्किल कंडीशंस में बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंज़माम, एक दूसरी बात यह कि आप जिस तरह देखा जा रहा है एज ए चीफ सेलेक्टर, आपको देखना होगा कि जो लोकल लड़के जो है परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसमें आप सलमान बट को हम लगातार देख रहे हैं परफॉर्म करते हुए, आसिफ ने ज़बरदस्त बॉलिंग जो है हम देखने में आ रही है, तो अब मोहम्मद आमिर के बाद क्या एज ए चीफ सेलेक्टर आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, या 2018 में कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं आपको कि फ्यूचर टूर में कहीं इनको चांस देने का अम्कान है?
देखिए अगर जहाँ टीम को जरूरत पड़ेगी ना, फर्स्ट क्लास में बहुत सारे लड़के और भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि जी लड़कों ने, पर इस दफ़ा जो टॉप स्कोरर है वो साद लड़का है जिसने टॉप किया है, सुहेल खान है जिसने बॉलिंग में टॉप किया था, तो दूसरे बहुत सारे लड़के भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक परफॉर्मेंस की बात होती है, एक टीम में रिक्वायरमेंट की चीज़ होती है कि अगर हमें किसी की भी, ये बड़ा अच्छी चीज़ है कि फर्स्ट क्लास में लड़के बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं ताकि हमारा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा, अगर उन्हें वहाँ स्टे करना है तो उनको बेहतर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह अगर सलमान की ज़रूरत पड़ी या आसिफ की ज़रूरत पड़ी या दूसरे यंगस्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ी, तो मेरे ख्याल में कहेंगे जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो हम उनको ज़रूर चांस देंगे। तो आपको इंतजाम लगता है कि जिस तरह अब तो शाहिद अफरीदी टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब शाहिद अफरीदी टीम में थे तो वो काफ़ी अपोज़ कर रहे थे इस बात को कि इनको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो अब आई थिंक हफीज़ ही मौजूद हैं ऐसे सीनियर प्लेयर जो इस टीम इस बात से इतना एग्री नहीं कर रहे थे कि आमिर को और सलमान भट्ट को या आसिफ को टीम में होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि स्मूथली दिस ट्रांजिशन विल बी इन द प्रोसेस, क्योंकि सलमान भट्ट ऑलरेडी जो है काफ़ी खफा दिखाई देते हैं, नाराज़ दिखाई देते हैं, तो वो बोले कि रमीज़ राजा जो हैं वो काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे इस चीज़ को कि शुड नॉट बी इन द टीम, तो उन्होंने ऑलरेडी भी रिसेंटली बयान दिया कि मैं रमीज़ जो है वो आमिर को तो बैकअप कर रहे हैं, तो वाई आई एम नॉट बैकड अप, तो उनका ये शिकवा नज़र में आया था सामने। देखिए रमीज़ भाई जो स्टेटमेंट देते हैं, शाहिद आफरीदी जो स्टेटमेंट देता है वो उनकी अपनी है, तो मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि जी मैं उनका, क्योंकि जी रमीज़ राजा क्या कह रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, मैं आपको एज ए चीफ सेलेक्टर बता रहा हूँ, अगर मुझे ज़रूरत हुई क्योंकि जी सलमान भट्ट की मुझे ज़रूरत हुई या आसिफ की ज़रूरत हुई या फर्स्ट क्लास जो भी खेल रहा है जिस लड़के की भी ज़रूरत हुई, तो इंशाल्लाह उसको हम ज़रूर मौका देंगे। पूरी सिलेक्शन कमेटी की हमारी ये राय है कि जी जहाँ भी हमें जिस प्लेयर की ज़रूरत महसूस हुई तो उसको ज़रूर मौका देंगे। इंजमाम एज अ चीफ सेलेक्टर आप कहाँ देखते हैं? नजम सेठी साहब जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं वो एक एक मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आएँ, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी दिखती है 2018 में? इंशाल्लाह, क्योंकि जी बोर्ड कोशिश कर रहा है, क्योंकि जी अगर पिछला पूरा साल देखा जाए 2017 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा था, श्रीलंका भी आई, वर्ल्ड 11 भी खेलने आई, पीएसएल के भी मैचेस हुए, इस साल भी कोशिश कर रहे हैं कि जी पीएसएल के ज़्यादा मैचेस हों पाकिस्तान में, तो बोर्ड कोशिश कर रहा है कि जी जो भी टीमें हैं वो पाकिस्तान आके खेलने के दरवाज़ा आराम आराम से खुलेगा, एकदम नहीं खुलेगा, तो बिल्कुल पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है बोर्ड के कि जी जो भी टीमें हैं अगर, और ये बड़ी टीमें हैं, इनके आने से इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। और मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जो थोड़ी आप कमी देखते हैं कि जी हमें नज़र आती है, वो इसलिए भी है कि जी पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, तो अब इंशाल्लाह थोड़ा सा उम्मीद हुई है कि जी पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा आएगी, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है ये। जी पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर और साबिक कप्तान जो है इंजमामुल हक जो है वो हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक थे। हम यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इंजमाम के साथ एक फाइनल राउंड खेलेंगे, क्लीन बोल्ड राउंड शॉर्ट सेगमेंट खेलेंगे, और यहाँ लेना होगा हमें छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, वापस आएंगे और देखते रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मैच पॉइंट पर डॉक्टर अदनान, हमारे साथ हमारे एक्सक्लूसिव गेस्ट पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज, पाकिस्तान के साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। आपको मैंने बताया था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्लीन बोल्ड जो राउंड है वो हम खेलने जा रहे हैं, इंजमाम से देखते हैं कि इंजमाम इन सवालों से जो है वो क्या बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। मैं इंजमाम आपसे ये पूछूँगा, पहले सबसे पहले बताइए कि आपका फेवरेट ग्राउंड? कज़ाफी स्टेडियम। कज़ाफी स्टेडियम। आपका फेवरेट पिकनिक स्पॉट? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। इंजमाम अगर आपने जो जितनी क्रिकेट खेली जिंदगी भर, सबसे टफेस्ट बॉलर जिसको आपने फेस किया? शेन वॉन। टफेस्ट बैट्समैन, आल दो कि आप बॉलर नहीं थे लेकिन टफेस्ट बैट्समैन हो आप समझते हैं कि आपके मध्य मुकाबले उस टाइम जब आप पीक पे थे? ब्रायन लारा। योर बेस्ट रूममेट? मुश्ताक अहमद। योर वर्स्ट रूममेट? मुश्ताक। अच्छा अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आप क्रिकेट खेल रहे थे तो उस दौरान आपका जो टफेस्ट ऑपोजिशन कैप्टन? स्टीव वॉ। योर फेवरेट पाकिस्तानी स्किपर? इमरान खान। योर फेवरेट ओवरऑल क्रिकेट स्किपर? इमरान खान। बेस्ट बैट्समैन इनिंग्स एक्सेप्ट यू? पाकिस्तान इज सईद अनवर। ओवरऑल क्रिकेट ग्राउंड पाकिस्तान के अलावा आपका फेवरेट? लॉर्ड्स।
ऐसी क्रिकेट में कोई गलती हुई हो जिस पे आप नादिम? बहुत सारी। 2006 अगस्त का महीना दोबारा वापस आ जाए तो क्या आप उसको सेकंड टाइम आपको मौका मिले दोबारा अंदर जाने का तो आपका फैसला क्या होगा? किस चीज का? 2006 ओवल के मैदान में अगर आपको एक दफा दोबारा मौका मिले उसी मैच में वापस जाने का तो आपका क्या फैसला होगा? जो मैंने डिसीजन उस टाइम किया था वही कब करूंगा। वही होगा। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज, वो 190 रन्स बनाने के बाद कितनी दफा क्रिकेट में आउट? मेरे ख्याल में हमेशा 200 ही किया है। उनके पास जी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 190 के बाद 3 दफ़ा आउट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है मोहम्मद यूसुफ के पास है। और इंजमाम भाई, जाते जाते आप मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट का फाइनल बता दें कि PSL का जो है कि कज़ाफ़ी और जो नेशनल स्टेडियम का जो मुअम्मा था उसके बारे में कुछ कहना चाहें आप पाकिस्तान सुपर लीग। देखिए, जो PSL का फाइनल है वो बोर्ड कोशिश कर रहा है कि जी कराची हो जाए, तो काफ़ी सारी चीज़ें बीच में हैं, लेकिन दोनों लाहौर हो जाए कराची हो जाए दोनों जगह अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैसेज लोगों को ये है कि हमेशा है ना अच्छा सोचा करें कि मैं जिस टाइम 92 के वर्ल्ड कप में जा रहा था ना खेलने के लिए, जिस टाइम हम खेल रहे थे तो हम बिल्कुल बॉटम पे थे, ठीक है, तो उस टाइम भी जो कप्तान थे ना इमरान खान, तो उनकी सोच है ना पॉजिटिव थी, उसने कहा कि हम यहाँ से भी जीतेंगे। तो आप है ना जिस टाइम हालात बुरे हो ना उस टाइम भी अच्छा सोचेंगे ना पॉजिटिव सोचेंगे तो अल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट निकालेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। ये थे हमारे साथ इंजमामुल हक, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, चीफ सेलेक्टर। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इंजमाम ने बहुत ही मसरूफियत में से टाइम निकाल के हमारे ई आवाज़ के नाज़रीन के लिए टाइम निकाला। जब तक कि हम वापस नहीं आते अगले प्रोग्राम तक, तब तक पाकिस्तान जो है अपने दोनों मैच जो है वो खेल चुका होगा। पाकिस्तान की जो सीरीज़ है वो इंशाल्लाह वो नज़र आ रही होगी कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। T20 शुरू होने वाले होंगे, तब तक अपने होस्ट, अपने दोस्त डॉक्टर अदनान को यहाँ से इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।